हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस देखिए मेरे पीछे वेदर कितना प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की गुनगुनी धूप है और पीछे क्लाउड्स का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। तो गाइस कुछ ही दिनों में मेला लगने वाला है, तो जब लगेगा तो आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग और अभी चलते हैं टाउन के नीचे झील के किनारे और दिखाते हैं आज दिन भर क्या एक्टिविटीज रहती है नैनीताल शहर में। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मल्लीताल रिक्शा स्टैंड चौराहा और खाली खाली सा है, सीजन तो ऑफ ही है। सैटरडे संडे का भीड़ है खाली, कभी कभी जाम लग जाता है तो लगने लगता है कि भीड़ हो गई है, बट वो गाड़ियों का ही जाम होता है, क्राउड तो होता नहीं है। और ये लोग हेमकुंड साहिब से आते हुए। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं इस समय पंत पार्क और देखिए पंत पार्क भी खाली है क्योंकि सैटरडे संडे के आसपास का जो टाइम होता है भीड़ भाड़ वाला होता है। और ये पंत पार्क में देखिए रंग रोगन, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। हेलो कैसे हैं? और अब चलते हैं झील के किनारे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं झील के किनारे और देखिए क्या खूबसूरत वेदर हो रहा है। नीचे देखिए धूप निकल रही है और उसके सामने वाले पहाड़ पे बादल है, क्लाउड है। ये सारी चीज़ें, इस तरह की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलती है। और बोटिंग भी ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की बोटिंग है। दोस्तों देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं डक्स, पानी में एंजॉय कर रही हैं, सो ब्यूटीफुल। और ये जो पर्यटक हैं इन्हें कुछ खिला रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं फील्ड की ओर और देखते हैं फील्ड की क्या कंडीशन है। धूप तो नहीं है लेकिन वेदर अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। गाइस पहुंच चुके हैं हम फील्ड के सामने और आज कुछ मुझे लगता है जो गर्ल्स का फुटबॉल हो रहा है स्कूल का, उसका फाइनल है, इसलिए स्टेज बनाया गया है, सेमीफाइनल है। अच्छा तो ये स्टेज सजा दिया आज ही, आज ही सजा दिया स्टेज। अच्छा सेमीफाइनल में स्टेज सजा दिया। और देखिए गाइस ये रेलिंग लग रही है नई, इससे पहले पुरानी रेलिंग थी और ये नई रेलिंग, ये लोहे की रेलिंग लग रही है। वापस हम रिक्शा स्टैंड चौराहे आ गए और पुलिस का चालान अभियान जारी है, सारी बाइकें खड़ी हैं और इनका चालान होगा अगर इन्होंने कोई मिस्टेक की होगी। और हल्की हल्की धूप आ गई है, वेदर अच्छा हो रहा है, टूरिज्म तो बहुत कम है। और ये है हमारे चौराहे के फल वाले भाई साहब जीना जी, फलों को चमकाने में लगे हैं और इन्होंने चमका चमका के देखिए कितना इनके फल कितने शाइन मार रहे हैं। तो जीना जी ये आपके सेब कहाँ, लोकल वाले? ये मुक्तेश्वर रामगढ़ वाले, मुक्तेश्वर वाले। अच्छा रामगढ़ मुक्तेश्वर, चलिए बढ़िया है। तो अगर आप नैनीताल चौराहे से यहाँ आए और आपको फ्रूट की रिक्वायरमेंट हो तो ये बिल्कुल मेन मल्लीताल रिक्शा स्टैंड चौराहे पर ये आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे और सीजनल फ्रूट्स भी मिलते हैं, जैसे सीजन में यहाँ पर खुबानी, आड़ू, हर मौसम में हर फल मिलता है, हर तरह का फल मिलता है। तो आप यहां से जो है फ्रूट्स को बाय कर सकते हैं। तो मालवेरी, सेब, पापल, स्ट्रॉबेरी, चेरी और भी कई, जामुन। गुड, तो आप यहां से फ्रूट्स ले सकते हैं। गाइस दिन के 1:22 का टाइम है और आप देखो मेरे पीछे बारिश होने लगी और हल्की हल्की बारिश, देखिए सब लोग शेड्स में आ गए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और देखिए ये पर्यटक त्रिपाल के नीचे छुपे हैं और बहुत सारे पर्यटक जो कि बारिश से बचने के लिए त्रिपाल की शरण लिए हुए हैं।
दोस्तों बारिश जो है कम होने के बजाय तेज हो गई है और अब काफी तेज बारिश होने लगी। दोस्तों बारिश कंटिन्यू है, थोड़ी देर कम होती है फिर तेज हो जाती है, लेकिन बारिश होने में ही है अभी। तो गाइस हम आ चुके हैं मल्लीताल फील्ड के बीच में और बारिश रुक चुकी है, लेकिन थोड़ा देखिए मेरे पीछे कीचड़ कीचड़ है। तो हम जा रहे हैं कुछ खा के आते हैं, उसके बाद मैच देखते हैं, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है एक दो घंटे के बाद। फ्रेंड्स भूख लगी थी, कुछ खाया और फिर उसके बाद बाहर आए हैं रेस्टोरेंट से। तो देखिए मेरे पीछे वेदर कितना शानदार हो रहा है और क्लाउड्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं पहाड़ के ऊपर और बारिश रुक चुकी है, बोटिंग भी हो रही है। और ये वो प्लेस है ना जहाँ से लेक का पूरा व्यू आता है। देखिए थोड़ा सा टर्न होंगे तो पीछे बैंड हाउस, बोट हाउस क्लब, और थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न होंगे तो सिनेमा हॉल, पीछे गार्डन। और ये मछलियाँ, गाइस शाम हो चुकी है और मैच स्टार्ट हो गया है और ये है टीम ऑल सेंस की और दोनों टीम ऑल सेंस की हैं, ऑल सेंस की ए टीम और बी टीम। और आज सेमीफाइनल है और बड़े मजे की बात है कि सेमीफाइनल जो हो रहा है दोनों एक ही स्कूल है और एक ही स्कूल की टीम है, कल होगा फाइनल। और स्टेज बन चुका है, कल चीफ गेस्ट देखते हैं कौन आते हैं। और दोनों ही टीम ऑल सेंस की हैं तो जो भी जीतेगा एक ही बात होगी। और ये गाइस गोल हो गया, गुड गाइस। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं अपने घर में और आज दिन भर मैंने नैनीताल में हुई सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई, आज बारिश भी हुई, बोटिंग और शाम को फुटबॉल मैच भी दिखाया। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस ब्लॉग का यहीं करते हैं अंत और मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपने परिवार का और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। तो दुआओं में याद रखिएगा, गुड नाइट।